अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहम्मद जमील। आज का जो हमारा सफ़र है वो वादी कहान नारां की तरफ है। हम कहान से होते हुए नारां और फिर झील से फलमरूक और उसके बाद आपको बाबूसर टॉप के लिए चलेंगे। मैं इस वक्त हूँ अजारा मोटरवे के मानसर वाले बैरियर इंटरचेंज पर। अगर आपकी इस्लामाबाद, लाहौर और या कराची वगैरह इस साइड से हजारा मोटरवे का इस्तेमाल करके आ रहे हैं तो आपको मैं बताता चलूं। वैसे तो नारां कहान जाने के लिए तीन इंटरचेंज होते हैं। पहला तो बेरा इंटरचेंज, दूसरा जो है पानो और तीसरा जो है वो आ जाता है डोडयाल इंटरचेंज। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ, सबसे जो बेस्ट है, जो सबसे करीब है, वो बेरा इंटरचेंज है। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं भी मानसरा के बेरा इंटरचेंज का इस्तेमाल करके जो है नारां कहान की तरफ जा रहा हूँ। फासले की अगर बात की जाए तो इस्लामाबाद से नारां कहान का जो सफ़र बनता है वो तकरीबन 250 किलोमीटर बनता है और उसको तय करने में तकरीबन 6 घंटे लग जाते हैं अगर आप हज़ारा मोटरवे का इस्तेमाल करके आ रहे हैं। अगर लाहौर से जो है नारां कहान के फासले की बात की जाए तो वो तकरीबन बनता है 540 किलोमीटर। वीडियो पूरा देखिएगा, इसमें मैं आपको बहुत खूबसूरत खूबसूरत जगह दिखाऊँगा और रास्तों के बारे में मुकम्मल तफसीलात बताऊँगा। और सामने आपको बोर्ड पर नज़र आ रहा होगा, एक जो रास्ता है वो लसन आपकी तरफ मुड़ रहा है और दूसरा जो है मानसरा की तरफ मुड़ रहा है और हम मानसरा वाले रास्ते पे एंटर होंगे और मानसरा की तरफ जाएंगे। तकरीबन 5 किलोमीटर के बाद हम जो है कुराकुरम हाईवे छोड़ के जो है नारां कहान वाली साइड पर मुड़ेंगे। बट पुल मानसरा के पास से जो रास्ता जाता है वहाँ से हम मुड़ेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम बट पुल मानसरा के पास पहुँच चुके हैं और यहाँ से हम जो है राइट टर्न ले रहे हैं और जो रास्ता नारां कहान की तरफ जा रहा है और कुराकुरम हाईवे हम छोड़ रहे हैं यहाँ से। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और इस ट्रेवल 6 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ बेल आइकॉन ज़रूर दबा देना। इस तरह हम मज़ीद वीडियो में बनाते जाएंगे और अपने पाकिस्तान की खूबसूरती जो है वो मज़ीद प्रमोट करेंगे। और इसके अलावा जब भी हम नेक्स्ट वीडियो डालेंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इस वक्त हम पहुँच चुके हैं अस्सा के मकाम पर, जो कि है बालाकोट से चंद किलोमीटर पहले। जैसा कि आप देख सकते हैं, रोड के साथ साथ दरियाए कुनहार बहता हुआ बहुत ही हसीन मंजर पेश कर रहा है और इस अस्सा के मकाम पर दरिया के उस पार एक पुल है, वहाँ आप क्रॉस करके दूसरी साइड जा सकते हैं और वहाँ पे पिकनिक स्पॉट बनाए गए हैं। बहुत ही खूबसूरत जगह है, हम जब भी नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे इस पर आपको तफसील से दिखाएँगे वो जगह। फ़िलहाल चलते हैं आगे की तरफ और अब हम पहुँच चुके हैं बालाकोट के मकाम पर। जैसा कि आप देख सकते हैं, बालाकोट का बाज़ार और आगे हम पुल पर से आपको दरिया के नज़ारे भी करवाते हैं और उसके बाद हम चलते हैं मज़ीद आगे की तरफ और आपको मज़ीद खूबसूरती भी दिखाते हैं पाकिस्तान की। ये जैसा कि आप देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा और ख़ूबसूरत मंजर पेश करते हुए है दरियाए कुनहार। इसके अलावा अगर आपको मज़ीद मालूमात चाहिए नारां कहान के मुतालिक या हमारे साथ अपना ट्रिप प्लान करना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पे जो व्हाट्सअप नंबर शो हो रहा है आप डायरेक्ट यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। उसके अलावा कमेंट बॉक्स में भी अपना जो है कमेंट वगैरह कर सकते हैं, हम आपको रिप्लाई करेंगे। हमने अपने सफ़र को दोबारा से जो है वो कंटिन्यू कर लिया। हमारा जो नेक्स्ट स्टॉप है वो क्वाई अबशार है, बहुत ही प्यारी जगह है, हम आपको तफसील से दिखाएंगे वो जगह। और जैसा जैसा हम आगे बढ़ रहे हैं पाकिस्तान की खूबसूरती मज़ीद निखर के सामने आ रही है। चलें हमारे साथ और आगे की तरफ बढ़ते हैं। हम इस वक्त पहुंच चुके हैं कवाई अबशार पर। कवाई अबशार बहुत ही प्यारी है, आप डिटेल से देख लें। मैं आपको इसका ओरिजिनल साउंड सुनवाता हूं पानी का। पहले आप बाहर से एक नज़र देख लें, फिर मैं आपको अंदर से दिखा देता हूं।
जैसा कि आपने कवाई आबशार देखी, बहुत ही प्यारी जगह है। और अगला हमारा नेक्स्ट स्टॉप जो होगा वो कगान होगा। चलें दोबारा से जो है सफ़र को कंटिन्यू करते हैं और आपको दिखाते हैं मज़ीद पाकिस्तान की खूबसूरती। अगर आपको पाकिस्तान की खूबसूरती पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना और इस यूट्यूब चैनल ट्रैवल सिक्स को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ताकि हम मज़ीद इस तरह पाकिस्तान की खूबसूरती को आपको दिखाते रहें। और इसके अलावा जो है हमारा फेसबुक लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, और इंस्टाग्राम का लिंक भी मिल जाएगा, हमें फॉलो ज़रूर कीजिएगा। इस वक्त हम गुजर रहे हैं मलाकंडी के मुकाम से, ये पारस के बाद आता है, बहुत ही प्यारी जगह, आप इंजॉय करें। हम पहुंच चुके हैं जरैत के बाद महंडरी के मकाम पर, बहुत प्यारी और खूबसूरत जगह। जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं नारंग कगान वाली साइड पे, जो है पाकिस्तान की खूबसूरती मज़ीद निखर कर सामने आ रही है। बहुत हसीन नज़ारे हैं जैसा कि आप देख सकते हैं। और इस वक्त हम पहुंच चुके हैं कगान के मकाम पर, बहुत ही प्यारी जगह। यहाँ पर हम थोड़ा सा स्टे करेंगे, फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। नारंग की बनस्बत आपको कगान में होटल वगैरह जो है सस्ते मिल जाते हैं, और इसके अलावा खाना वगैरह भी यहाँ पे सस्ता है। और अगर बात की जाए टम्परेचर की, तो इस वक्त जो है कगान का मौजूदा टम्परेचर अभी 2 बज रहे हैं, तकरीबन 22 सेंटीग्रेड है। जुलाई का महीना है और 22 सेंटीग्रेड, बहुत प्यारा मौसम है। मज़ीद तफसीलात के लिए आपको स्क्रीन पे हमारा व्हाट्सएप नंबर शो होगा, आप यहाँ पे अपना जो है मैसेज। हम इस वक्त कगान से निकल चुके हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं सड़क के साथ साथ बहता हुआ दरिया बहुत ही प्यारा और खूबसूरत माहौल जो है हमें प्रोवाइड करता है। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं धूल मट्टी ज़्यादा है, लेकिन कोई बात नहीं, आइंदा आने वाले दिनों में यहाँ पर ये जो कंस्ट्रक्शन का काम ख़त्म हो जाएगा, तो ये मज़ीद इसकी खूबसूरती जो है आप देख सकेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं अभी भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ जम है रोड के साइड पे, और यहाँ पर बर्फ़ को काट कर बीच में से रास्ता बनाया गया है। चलें आपको दिखाते हैं, बहुत ज़्यादा बर्फ़ जम है यहाँ पे साइड पे, जो कि बहुत ही हसीन मंज़र पेश कर रही है। Thank you.
भी हमने स्टे किया यहाँ पर, जहाँ पे दरिया का बहुत प्यारा खूबसूरत नज़ारा था। और यहाँ से जो नारा का सफ़र रहता है वो तकरीबन 10 किलोमीटर रहता है। और ये आप देख सकते हैं लोहे का रस्सा वगैरह लगा हुआ है, और यहाँ पे ये जो फट्टा लगा हुआ है इसके ऊपर लोग बैठकर इस रस्से के ज़रिए दरिया के एक साइड से दूसरी साइड जाते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं और आप दरिया देखें, बहुत ही प्यारे नज़ारे हैं। और फिर हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। जी फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं सामने एक और बर्फ़ का तूफ़ान आया हुआ है। इससे जो है आम जबान में, अभी मैंने बंदे से पता किया, वो इसे आम जबान में छंज बोलते हैं। जब पहाड़ों पे बर्फ़ ज़्यादा जमा हो जाती है तो वो फिसल कर नीचे आ जाती है। और ये जैसा कि आप सामने देख सकते हैं बर्फ़, और हम पहुँच चुके हैं नहरान, जो है तकरीबन करीब ही रह गया है। सामने आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पर बहुत सी चादरें वगैरह लगी हुई हैं। ये नहरान का बाज़ार वगैरह है। चलें एंट्री करते हैं नहरान बाज़ार में और आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपको पाकिस्तान की खूबसूरती दिखाने की हमारी ये कोशिश पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करना और इस ट्रेवल सिक्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि मज़ीद हम पाकिस्तान की खूबसूरती प्रमोट कर सकें, मज़ीद लोगों को पाकिस्तान की खूबसूरती दिखा सकें। जैसा कि आप देख सकते हैं हम इस वक्त मौजूद हैं नहरान बाज़ार में। बहुत ही प्यारे और हसीन होटल वगैरह यहाँ पे बनाए गए हैं। इन होटलों की जो है वो रेट और रूम वगैरह के बारे में डिटेल भी आपको दिखाएंगे, लेकिन वीडियो ज़्यादा लंबी होने की वजह से हम आपको नेक्स्ट वीडियो में जो है सब कुछ बताएँगे। और हम जो अभी जा रहे हैं सैफ अल मलूक की तरफ, झील सैफ अल मलूक की तरफ, वो सब चीज़ें, वो तमाम चीज़ें आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगी। इसके लिए आप वीडियो के नीचे रेड बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकॉन ज़रूर दबा दें, ताकि वो मज़ीद वीडियो भी आपको बर वक्त मिल सकें।